रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में काम करने लगा, उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में जज है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा।